नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। क्या फ़ायदा आम आवाम को मिलने वाला है? देखिए, पुलिस में पुराना जमाने से फुट पेट्रोलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पुराना और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें पुराना जमाने में ऐसे था, मतलब लोग पेट्रोलिंग ऑफिसर्स पैदल जाता था। इसमें बहुत सारा एडवांटेजेस है। मेन एडवांटेजेस है कम्युनिटी इंट्रैक्शन, समुदाय के से लोग, कोई भी पदाधिकारी जा रहा है तो उसमें उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा रहता था। इसका मेन आउटपुट यही है, इंट्रैक्शन कहाँ कहाँ रह रहे, उधर इंटेलिजेंस वगैरह, इंटेलिजेंस कलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पुलिस, मगर रोड पर है उसका डिफरेंस भी अलग होता है। इसीलिए इसी आइडिया का मतलब हमारा पदाधिकारी हमारा सीनियर कलेक्शन का ये आइडिया है। इसलिए आज पायलट प्रोजेक्ट पर ये फिर इसको थोड़ा सा इसको प्लान करके बड़ी लेवल पे इसको करना चाहिए। खाने खाना क्षेत्रों में इसका भी काम किया जाएगा। सभी थाना प्रभारी लोग, सभी मतलब नक्सल इलाके को छोड़कर टाउन एरिया में, मेन टाउन एरिया में DSP और थाना प्रभारी लोग, सर्कल इंस्पेक्टर, सब लोग रोड पर आकर पैदल पेट्रोलिंग करना ठीक है। ट्रैफिक हमारे पुलिसकर्मी पदाधिकारी जो चौक चौराहों पर खड़े रहते हैं यातायात व्यवस्था के संदर्भ में, उनको खासतौर पर जो है इस प्रकार के मास्क सभी हम लोगों ने तात्कालिक तौर पर उपलब्ध कराया है। उसके दो उद्देश्य हैं, एक तो बाद में प्रदूषण का स्तर थोड़ा ज़्यादा रहता है, धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती रहती है, तो उससे भी एक संरक्षण हो सके, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से बच सके, और दूसरा जो कोरोना को लेकर के भी जो एक सजगता रखनी है उसको ध्यान में रखते हुए भी ये मास्क जो दिए गए, जिससे इसको लगा करके वो एकदम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते। इसके अलावा थाना स्तर पे भी जो पदाधिकारी कर्मी और जो भी पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पब्लिक डीलिंग से बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी इस प्रकार की है जिसमें पब्लिक डीलिंग होनी होनी है, क्योंकि पब्लिक अपनी शिकायत लेकर के हम लोग के पास आती है, लेकिन यहाँ यह ज़रूरी है कि उसमें इस बात को देखना कि अपनी सुरक्षा कैसे करना है। तो उसके लिए खासतौर पर इन लोगों को निर्देश दिया गया है पदाधिकारियों और कर्मियों को कि सैनिटाइजर्स जरूर रखें, और जैसा निर्देश भी है स्वास्थ्य विभाग का कि बार बार हाथ धोते रहें और स्वच्छता को बनाए रखें, और यथासंभव मास्क का भी प्रयोग किया जाए, जिससे कि इस प्रकार के किसी भी संक्रमण से अपने आप को बचा सकें। आज फूड पेट्रोलिंग जो शुरू हुई है, इसका मकसद क्या है? देखिए, फूड पेट्रोलिंग बेसिकली ये करने का उद्देश्य ये है कि जब पुलिस आवाम में घूमती है, पैदल मार्च करती है, पैदल इंटरेक्ट करती है लोगों से, क्योंकि जब आप गाड़ी में चलते हैं तो कई बार लोगों से बातचीत नहीं होती, लेकिन जब आप चौक चौराहों पे, भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में जब पदाधिकारी पुलिसकर्मी जब चढ़ते हैं, तो एक तो लोगों में सुरक्षा का एक भावना आती है, उससे असामाजिक तत्व तो उससे भय खाते हैं, और दूसरी बात कि पब्लिक की भी जो समस्याएँ, पब्लिक की जो पुलिस से एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको भी एक समझने का अवसर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज एक फूड पेट्रोलिंग की धनबाद जो टाउन थाना है वहाँ से शुरुआत की गई है, और हम लोग अपने जितने भी थाने, खासतौर पर जो शहरी थाने हैं, उन सभी जगहों पर इस फूड पेट्रोलिंग को हम लोग और तेज़ी से लागू करेंगे और सफलता से उसको